हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, एक क्वेश्चन है जो हमारे माइंड को बहुत टाइम से हॉन्ट कर रहा है। वो क्वेश्चन है, व्हाई फरवरी हैज 28 डेज। फरवरी के महीने में ही 28 डेज क्यों होते हैं? बाकी महीनों में तो या तो 30 डेज होते हैं या 31 डेज होते हैं, लेकिन फरवरी के महीने में ही 28 डेज क्यों होते हैं? क्या आपने पहले कभी ये सोचा है? आपने अगर सोचा भी होगा तो आपको कभी भी इस क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं पड़ा होगा। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें और इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ। जैसे कि सिडेरियल मंथ क्या होता है, सिनोटिक मंथ क्या होता है, एक साल में 12 महीने ही क्यों होते हैं, लूनर साइकिल क्या होता है, लूनर फेज क्या होता है, जनवरी का महीना फर्स्ट मंथ कैसे हुआ, और उसके बाद इन सब क्वेश्चन का आंसर समझाते समझाते मैं फाइनली हमारे प्राइमरी क्वेश्चन पर पहुंचूंगा, जो कि है व्हाई फरवरी हैज 28 डेज। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो में आपको इतने सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं जो पहले आपने कभी भी एक जगह पर नहीं देखा होगा या शायद आपको कहीं मिलने वाला है ही। तो आप बने रहें इस वीडियो के एंड तक। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि व्हाई फरवरी हैज 28 डेज। ये समझने के लिए पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि लूनर साइकिल क्या होता है। लूनर साइकिल और लूनर फेज समझने के लिए आपको पहले पोजिशन ऑफ अर्थ, पोजिशन ऑफ सन एंड पोजिशन ऑफ मून, ये तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ जिससे आप समझेंगे कि सन, मून और अर्थ इन सब के पोजीशन से कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा लूनर फेज है। आइए अब हमारे इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप इसे अज्यूम कर लें कि ये सन है, इसे अज्यूम कर लें कि ये अर्थ है और इसे अज्यूम कर लें कि ये मून है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा और ये जो मून है ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ठीक है, ये बहुत ही डिटेल्ड कंसेप्ट है तो उतने डिटेल में मैं अभी आपको समझा नहीं पाऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना समझें कि पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है मून का, वो हम ऐसा मानते हैं कि जब वो सन और अर्थ के बीच में, जब मून सन और अर्थ के बीच में आ रहा है, तब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये हम अर्थ से देख सकते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी पड़ रही है मून के इस हिस्से पर। सूरज की रोशनी पड़ रही इधर, हमारी तरफ कौन सा हिस्सा है, इधर वाला। तो इस टाइम पर हम मून को बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। फिर मून यहाँ से ऐसे रिवॉल्व करते करते यहाँ पहुँचेगा, थोड़ा सा और पोर्शन विजिबल होगा, फिर मून यहाँ पहुँचेगा। जब मून और सन के बीच में अर्थ आ जाएगा तो वो ऐसा सिचुएशन होगा जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पूरा हिस्सा हम देख सकते हैं और सूरज की रोशनी भी इस पूरे हिस्से पर पड़ रही है। तो फिर ये पूरा मून हमें दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं फुल मून फेज। फिर धीरे धीरे मून वापस रिवॉल्व करते करते यहाँ से वापस यहाँ पहुँच जाता है। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये है न्यू मून फेज, ये है फुल मून फेज, ये वापस आ गया न्यू मून फेज। यहाँ से जब हम यहाँ आ रहे हैं तो धीरे धीरे और पोर्शन होता है मून का जो कि विजिबल होता जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक वाले फेज को हम बोलते हैं वैक्सिंग फेज। ठीक है, यहाँ पर हो गया फुल मून, यहाँ से जो विजिबिलिटी है मून की वो धीरे धीरे कम होते जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक आने वाले फेज को हम बोलते हैं वेनिंग फेज ऑफ द मून। तो ये पूरे एक साइकिल कंप्लीट करने में मून को लगता है 29 डेज, 12 आवर्स एंड 44 मिनट्स। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं सिनोटिक मंथ। हाय फ्रेंड्स, अब आपने ये तो समझ लिया कि एक साइकिल में 29 डेज, 12 आवर्स एंड 44 मिनट्स लगते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 29.53 डेज लगते हैं। ठीक है, अब जब अर्थ सन के चारों तरफ घूम के पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो उतने टाइम में मून ऐसे 12 साइकिल्स कंप्लीट कर लेता है। वन साइकिल में लगता है 29.53 डेज और 12 साइकिल्स में कितने डेज हो गए, 29.53 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये अप्रॉक्सीमेटली वर्कआउट करके आपको मिलेगा 354.3 डेज के अप्रॉक्स। अब 354.3 डेज को हम 355 डेज में अप्रॉक्सीमेशन करके कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब ये जो 355 डेज थे, 355 डेज में 51 डेज ऐसा था जिसमें बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ा करती थी और वो 51 डेज हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं था। तो बाकी जो बचे 304 डेज, वो 304 डेज में ही काम किया जाता था और कैलेंडर में 304 डेज को ही इंक्लूड किया गया था। ठीक है, अब वो जो बाकी 51 डेज थे, अगर आप किसी से पूछते भाई अभी कौन सा महीना चल रहा है, तो वो बोलते कोई महीना चल ही नहीं रहा है क्योंकि वो कैलेंडर में 51 डेज बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया गया था। अब ये जो 304 डेज है जो कैलेंडर में इंक्लूड किया गया था, उन 304 डेज के टाइम पर जो मून है वो अपने 10 साइकिल्स कंप्लीट कर लेता है। तो 10 साइकिल्स कंप्लीट कर लेता है, इसलिए 304 डेज को 10 मंथ्स में डिवाइड किया गया, 10 मंथ्स में डिवाइड किया गया। आप ध्यान रखें 12 मंथ्स में, शुरू शुरू में कैलेंडर में 10 मंथ्स ही हुआ करते थे और जो फर्स्ट मंथ था वो मंथ हुआ करता था मार्च,
आप नाम से भी समझ सकते हैं, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. सेप्टेम्बर मीन्स 7, अक्टूबर मीन्स 8, नवंबर मीन्स 9 एंड दिसंबर मीन्स 10. ठीक है, तो उस समय 10 मंथ्स हुआ करते थे स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च एंड एंडिंग विद दिसंबर. तो जो 304 डेज थे जिनको हमने 10 मंथ्स में डिवाइड किया, उसमें हमने क्या किया कि 6 महीने में तो 30 डेज रख दी और बाकी जो 4 महीने थे उनमें 31 डेज रख दिया गया, अलॉट कर दिया गया. तो 6 मंथ्स में जब 30 डेज अलॉट हुए थे तो कितने डेज हो गए, 180 डेज. और 4 मंथ्स में 31 डेज हुए तो कितने डेज हो गए, 124 डेज. 180 प्लस 124, नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 304 डेज. फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया तो राजाओं ने ऐसा सोचा कि नहीं, जो बाकी 51 डेज है उनको भी कैलेंडर में इंक्लूड करना चाहिए. आप काम करो चाहे नहीं करो, कैलेंडर के अंदर आपको ट्रू स्टोरी दिखाई देना बहुत ज़रूरी है. तो वो 51 डेज को भी कैलेंडर में इंक्लूड किया गया. उसके बाद और क्या हुई, एक बात और हुई कि पहले के ज़माने में इवन नंबर्स को बिल्कुल भी लकी नहीं माना जाता था. पहले के लोग बहुत सुपरस्टिशियस थे तो इवन नंबर को लकी नहीं मानते. तो वो जो 6 महीने हैं जिनमें 30 डेज था उनमें से उन लोगों ने क्या किया, हर महीने में से एक एक दिन कम कर दिया. 6 महीने में से एक एक दिन कम किया, मतलब उन सारे महीने में अब नंबर ऑफ डेज हो गए 29 डेज. 4 महीने में जिनमें 31 डेज थे वो तो ऑड नंबर है तो वो एज इट इज रह गया, और जो 6 महीने में 30 डेज थे उन हर महीने से एक एक दिन उन्होंने कम कर दिया. एक एक दिन कम कर दिया तो उन हर महीने में हो गया 29 डेज. ठीक है, पहले 355 डेज होते थे एक लूनर ईयर में, लेकिन कैलेंडर में कितने इंक्लूडेड थे, 304 डेज. तो उन्होंने वो 51 डेज जो पहले इंक्लूड नहीं थे उसको भी इंक्लूड करने का सोचा, और जिन जिन मंथ्स के अंदर नंबर ऑफ डेज इवन थे उनमें से एक एक दिन कम किया, तो उसके 51 प्लस यहाँ से 6 दिन और, तो अब कैलेंडर में इंक्लूड करने के लिए उनके पास हो गया 57 डेज. 57 डेज को उन्होंने दो मंथ में डिवाइड किया. पहले मंथ का नेम दिया जनवरी, दूसरे मंथ का नेम हुआ फरवरी. जनवरी में 29 डेज और फरवरी में 28 डेज ऐसे मिल गए. और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब शुरू शुरू में जनवरी एंड फरवरी को कैलेंडर में इंक्लूड किया गया था तो जनवरी एंड फरवरी वर 11th एंड द 12th मंथ. जी हाँ, जनवरी और फरवरी फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ बिल्कुल नहीं थे, वो 11th और 12th मंथ थे. फिर लोगों ने ऐसा ध्यान दिया कि जनवरी का नाम पड़ा था गॉड ऑफ जेनस के नाम पर. गॉड ऑफ जेनस कौन है, गॉड ऑफ जेनस को गॉड ऑफ बिगनिंग कहा जाता है. उनके दो फेसेस हैं, वो गेट पर रहते हैं, एक फेस उनका देखता है पास्ट की तरफ, एक फेस उनका देखता है फ्यूचर की तरफ. तो गॉड ऑफ बिगनिंग है वो, इसीलिए जनवरी को फिर फर्स्ट मंथ में कन्वर्ट कर दिया गया. उसके बाद से हमारे कैलेंडर ऐसा होने लग गया स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी, फरवरी, मार्च और दिसंबर, जिसका मतलब होता तो 10 है लेकिन फिर भी वो 12th मंथ बन गया. तो आपने ये समझ लिया कि जनवरी शुरू शुरू में तो 11th मंथ था, उसके बाद कैसे जनवरी फर्स्ट मंथ बन गया. और जनवरी में 29 डेज क्यों हुए, फरवरी में 28 डेज क्यों हुए, ये भी आपने समझ लिया, क्योंकि हमारे पास 57 डेज थे. 57 डेज को हमने टू मंथ्स में डिवाइड किया, एक मंथ में 29, एक मंथ में 28. और जनवरी को सबसे शॉर्ट मंथ इसलिए भी रखा गया क्योंकि वो जो महीना था उस महीने को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते थे, लक्की नहीं मानते थे. उसमें वो ऐसा कुछ पूजा पाठ किया करते थे जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ को वो दूर करते थे. तो फरवरी का महीने को उसके उन्होंने और भी छोटा रख दिया, इसलिए बाकी जितने भी मंथ्स हैं उसमें आप देखेंगे हमेशा फरवरी ही सबसे छोटा मंथ दिखाई देगा. ठीक है, अब आपका कैलेंडर तैयार हो चुका है 355 डेज के अकॉर्डिंग. इस 355 डेज वाले कैलेंडर में 4 मंथ्स ऐसे हैं जिनमें 31 डेज हैं. शुरू में भी 31 थे, उनको चेंज नहीं किया गया, उनमें 31 डेज ही रखा गया. एक महीना बचा फरवरी जिसमें 28 डेज है. बाकी कितने मंथ्स बचे, बाकी 7 मंथ्स बचे जिन हर मंथ में 29 डेज मिलेंगे आपको. लेकिन धीरे धीरे लूनर ईयर को सोलर ईयर में कन्वर्ट करने का कोशिश किया गया, मतलब जो कैलेंडर था जो लूनर ईयर के बेसिस पर बनता था अब वो कैलेंडर बनने लगा सोलर ईयर के बेसिस पर. सोलर ईयर और लूनर ईयर में डिफरेंस है 10 डेज का. तो अब जो कैलेंडर बन रहा था उसमें उन्हें 10 दिन और इंक्लूड करना था. अब वो 10 दिन ये सोचने वाली बात थी कि कौन से महीने में ऐड किया जाए. जिन जिन मंथ्स में 31 डेज थे वो तो अनचेंज रह गए क्योंकि 31 एक ऑड नंबर था, बिल्कुल सही था. और जिन जिन मंथ्स में 31 डेज नहीं थे उन्हें ही चेंज करने का उन्होंने सोचा. मंथ कितने अवेलेबल थे जितने वो नंबर ऑफ डेज ऐड कर सकते थे, फरवरी को आप हटा दें क्योंकि वो 28 डेज का मंथ था, बाकी मंथ बचे 7. 7 मंथ्स में उन्हें 10 डेज ऐड करना था. ठीक है, तो सब कुछ न्यूट्रलाइज करने के लिए, बराबर करने के लिए उन्होंने क्या किया, 3 महीने में तो 2-2 दिन ऐड कर दिया और बाकी बचे 4 महीने में 1-1 दिन ऐड कर दिया. ठीक है, तो शुरू से ही 4 मंथ्स ऐसे थे जिनमें 31 डेज थे, अब 3 मंथ्स और हो गए जिनके अंदर 31 डेज हो गए. फरवरी का एक महीना जिसमें 28 डेज है,
बाकी जितने भी मंथ्स थे जिनमें शुरू शुरू में 29 डेज हुआ करते थे उनमें एक दिन बढ़ा दिया गया, तो हम देख रहे हैं कि जो बाकी बचे 4 मंथ्स हैं उनमें 30 डेज हो गए। ऐसे कैलकुलेशन हो गया 365 डेज का। उसके बाद जब हम सब जानते हैं कंसेप्ट लीप ईयर का, क्योंकि एक साल तो होता है 365 वन बाई फोर डेज का, तो हर 4 साल के बाद हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो वो एक दिन हम हमेशा फरवरी में ऐड कर देते हैं क्योंकि वो सबसे छोटा महीना है, तो फरवरी में 8 ऐड कर देते हैं तो 28 की जगह वो हो जाता है 29 डेज का। ठीक है, तो मैंने आपको जितने भी इन्फॉर्मेशन थे सब समझा दिए। थैंक यू गाइस।